हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनिया। वेलकम टू माय चैनल सोनिया फूड वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए रेसिपी जो लेके आई हूं वो बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाली है। रेसिपी है चपाती नूडल्स। बची हुई चपाती से आप इसे बना सकते हैं और खाने में भी इसका टेस्ट इतना स्वादिष्ट है कि आपको लगेगा भी नहीं कि ये जो डिश है ये चपाती से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स, आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने पहले से ही ये चपातियाँ बना के रखी हैं। देखिए, मैंने चार चपाती बना के रखी है। ये मेरी रात की बची हुई नहीं है, मैंने इसे ऑलरेडी पहले से ही बना के रखा था। तो फ्रेंड्स, आप इसे ऐसे सर्कल सर्कल करके काट सकते हैं या फिर आप इसे डबल फोल्ड करके भी काट सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर फ्रेश चपाती है, गर्मा गर्म की चपाती है, तो आप उसे नाइफ़ से काटेंगे तो वो ईज़िली कट जाती है। बट ये थोड़ी ड्राई है, ये 3 से 4 घंटे पहले की बनी हुई चपाती है, तो इसे कटने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि अगर कैंची से काटें, इससे क्या है आपका फटाफट कट भी जाएगा और जो लेयर्स हैं वो बिल्कुल ही चाउमीन जितनी पतली पतली इसमें कटती हैं। और नाइफ़ से जो कटी हुई चाउमीन है उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है और वो थोड़ी सी अनक्लीन कट होती हैं। तो हमें चाउमीन बनाने के लिए चाउमीन जैसा ही इसे काटना है। देखिए, अब आप इसको देखना कितना ये परफेक्ट और अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, इसे हाथों से थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे करें ताकि इसकी एक एक लेयर्स जो है वो अलग हो जाए। और देखिए, इसकी लेयर्स कितनी बड़ी बड़ी हैं चाउ की। तो ये हमारी लघु चपाती चाउ कट गई। अब हम इसमें से चपाती जैसा टेस्ट ना आए इसके लिए अब हम एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून ऑयल गर्म करने रखेंगे। जब हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये चपाती डालेंगे। और इस चपाती को हमें तब तक भूनना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती। थोड़ा इसे मीडियम फ्लेम पर भूने और इसे बीच बीच में से उल्टाते रहें, मतलब ऐसे इसे घुमाते रहें ताकि ये सभी जगह से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। थोड़ा सा इसे टाइम लगेगा। अगर नहीं आपसे हो रहा तो आप इसे बीच में से हाफ ऑफ करके भी इसे अच्छे से क्रिस्पी कर सकती हैं। बट हाँ, इसे अच्छे से क्रिस्पी करना है। इससे क्या होगा कि इसका टेस्ट भी बढ़िया आएगा और उसमें जो चपाती जैसा जो फ्लेवर है वो भी निकल जाएगा। इसका टेस्ट मार्केट के चाउमीन जितना ही बढ़िया लगेगा। फ्रेंड्स, अब ये क्रिस्पी लगभग हो गया है। 1 मिनट के बाद मैं इसे बंद कर देती हूँ, ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तब तक हम इसी कढ़ाई में को स्टीम करके इसमें ऑयल गर्म करने रख देते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल। जब हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें ये प्याज और शिमला मिर्च दोनों ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने लंबा काट के रखा है। लंबा लंबा ही काट के इसमें ऐड करें चाउमीन की तरह। और हमें इसे 1 मिनट भूनना है। फ्रेंड्स, आप इसमें अपने मनपसंद के हिसाब से कोई वेजेस डाल सकते हो, जैसे पत्ता गोभी, गाजर। बट मैं इन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, पत्ता गोभी को, और गाजर ऑफ सीज़न है तो इसीलिए मैंने इसे अवॉइड किया। इसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्ट डाल के इसे कवर करके रख दिया है 1 मिनट के लिए, ताकि ये सिर्फ थोड़ा गल जाए, थोड़ा सा ये पक जाए। अब इसमें ये मैं ग्रीन चिली और ये टमाटर दोनों इसमें काट के ऐड किया है। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस एंड 2 टेबल स्पून केचप। फ्रेंड्स, अगर आप इसमें जितना तीखा खाना चाहें उसके अकॉर्डिंग अपने चिली सॉस की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैंने ये डाला है इसमें शुगर ताकि इसे खट्टा मीठा थोड़ा फ्लेवर आए। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें चिली सॉस थोड़ा और ऐड कर दें और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेड चिली पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे स्पैचुला से अच्छे से आप मिक्स करें। अगर इसे अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है तो आप इसे कांटों से मिक्स करें, क्योंकि कांटों से बहुत ही अच्छी तरीके से ये मिक्स हो जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर कंटिन्यू घुमाते रहिए, अच्छे से मिक्स होता जाएगा। और फ्रेंड्स, अच्छे से मिक्स होने के बाद आप इसे लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसे ढककर पकाइए। तो रेडी है हमारे ये चपाती नूडल्स। हेल्दी, टेस्टी और झटपट बनने वाले ये चपाती नूडल्स खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा स्पाइस करने के लिए, थोड़ा और फ्लेवर बढ़ाने के लिए इसमें से थोड़ा सा मैंने ब्लैक पेपर ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारे यम्मी चपाती नूडल्स। अगर आप इसे गेस्ट के सामने भी सर्व करेंगे तो ये एकदम यूनिक डिश होगी एंड बच्चों को भी ये डिश बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरी वीडियो के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप सपोर्ट।